भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी ओडिशा हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि ओडिशा में बालासोर जिले में गंभीर रेल दुर्घटना हुई है और इसके वजह से बड़ी संख्या में लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। इस दुर्घटना के कारण से पूरा देश स्तब्ध है। रेल मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उन्हें 12 लाख रुपए आर्थिक सहायता से लेकर उनके परिवारजनों के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया है। ऐसे दुख की घटना में बीजेपी के देश के सभी कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देशन पर निरस्त कर दिए गए। ओडिशा के बालेश्वर जिले में एक गंभीर रेल दुर्घटना होने के कारण बड़ी संख्या में लगभग 238 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। इस दुर्घटना के कारण से पूरा देश स्तब्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, सभी लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। रेल मंत्रालय ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उनको 12 लाख रुपए आर्थिक सहायता से दे करके उन परिवारजनों के साथ हम सब लोग खड़े हैं। ऐसे दुख की घटना में भारतीय जनता पार्टी के देश के सभी कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देश पर निरस्त किए गए हैं। आज हमने मध्य प्रदेश के भी जितने सारे कार्यक्रम होने वाले थे केंद्र सरकार के 9 वर्ष के उपलक्ष्य में, उन सारे कार्यक्रमों को आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर रद्द किया है। ओडिशा के बालेश्वर जिले में एक गंभीर रेल दुर्घटना होने के कारण बड़ी संख्या में लगभग 238 लोगों की दुखद मृत्यु। और विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर भोपाल में बाइसाइकिल राइडर्स ग्रुप और टीम साइकिल वर्ल्ड एमपी नगर के तत्वाधान में शहर के उत्साहित साइकिल चालकों ने एक रैली में भाग लिया है। रैली की टीम साइकिल वर्ल्ड और एमपी नगर के विदित गुप्ता द्वारा रवाना किए गए और साथ ही शहर के मार्गों से होते हुए ये जो रैली है वो मेट्रो प्लाजा बिटन मार्केट में समाप्त हुई। इसके बाद समापन पर शहर के वरिष्ठ साइक्लिस्ट का सम्मान भी किया गया और लकी ड्रॉ भी कराया गया है। एवरेस्ट विजेता भगवान सिंह ने बताया है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और साइकिलिंग के फायदे पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। बता दें कि इस ग्रुप में लगभग 275 सदस्य हैं जिसमें से नवोदित और अनुभवी साइक्लिस्ट शामिल रहे। खबर अब कटनी से है जहां पर शहर के एनकेजे थाना क्षेत्र में राघव रेजेंसी में स्थित एक वाटरफॉल में नहाने के दौरान एक मासूम की डूबने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी गई जिसके बाद से वो सदमे में है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करवाया है और परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय शव भेज दिया गया है। आरोप यह है कि वाटरफॉल में ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है और ना ही कोई ध्यान देने वाला है। ऐसे में घटना के बाद एनकेजे थाने की पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आर्थव गुप्ता है, पिताजी का नाम है रोहित गुप्ता, 10 साल का है, रहने वाला टीकमगढ़ का है। यहाँ अपने ननियाल आया था माधव नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में और राघव एजेंसी में वाटर पार्क है, वहाँ गया था नहाने के लिए। वहाँ पर डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। शासकीय अस्पताल कटनी लेके आए हैं जहाँ पर क्या हुआ था वहाँ पे? हम लोग वाटर पार्क में मतलब भैया खेल रहा था, हम लोग भी वहीं पे थे। वो बड़े वाले पता नहीं कैसे चला गया और फिर जब थोड़ा देर बाद दूसरे भैया ने निकाला तो सांस चल रही थी उसकी। तो बच्चे वहाँ जब नहा रहे थे तो वहाँ उनके साथ कोई बड़ा आदमी नहीं था साथ में? नहीं, वहाँ पे हम लोग थे, अदरवाइज कोई भी सिक्योरिटी नहीं, कोई भी कुछ नहीं। हर वाटर पार्क में सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी और वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब कोई देखने वाला भी नहीं था कि कौन क्या हो रहा है। क्या नाम था बच्चे का, कितनी उम्र थी जी? क्या नाम है उसका? उसके पापा का नाम? मंदसौर के दलौदा से खबर है जहां पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बेटी साक्षी के हत्यारे साहिल खान का पुतला फूंका है।
सरकार से आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई है। दरअसल हाल ही में दिल्ली में दलदलाने वाली यह घटना सामने आई थी, जहां पर साक्षी नाम की एक किशोरी की हत्या साहिल खान नाम के शख्स ने की। सरेआम चाकू से गोदकर उस पर हमला किया गया और उसके बाद पत्थर से उस पर हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब आरोपी के इस कृत्य से आहत होकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मांग करते हुए आरोपी साहिल खान को फांसी देने की सजा की गई। क्या जानकारी? ये पुतला दहन जो अभी दिल्ली में एक हिंदू बेटी साक्षी को जो निर्मम हत्या की गई साहिल खान ने, उसके विरोध में पूरा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद दरोदा प्रखंड की ओर से आज दरोदा प्रखंड में पुतला दहन किया गया। किसका किया गया? ये साहिल खान का। हमारी मांगे हैं कि साहिल खान को फांसी दी जाए। सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई करी साहिल की? साहिल को अभी खाली अरेस्ट करा है उसे, उसके ऊपर बाकी कार्रवाई भी कुछ हुई नहीं है। इसलिए पूरे बजरंग दल ये मांग करता है कि इसको फांसी की सजा दी जाए। और अब रुक करेंगे रायबरेली का, जहां पर बिना लाइसेंस की संचालित खाद्य पदार्थ की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिले भर की 11 लाइसेंसी दुकानों पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी ने अदालत में ये जुर्माना लगाया है। और दरअसल मार्च महीने में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अपने अपने इलाकों में खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों से उनके लाइसेंस चेक किए थे। उसी दौरान शहर में स्थित मशहूर काशीपुड़ी समेत अलग अलग तहसीलों में लगभग 2 दर्जन से अधिक दुकानदार लाइसेंस नहीं दिखा सके। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें से 11 दुकानदारों को छोड़कर सभी ने लाइसेंस बनवा लिया था। अब जिन 11 दुकानदारों ने तय सीमा के अंदर लाइसेंस नहीं बनवाया, मामला एडीएम प्रशासन की अदालत में गया और उसके बाद अलग अलग दुकानों पर 80,000 से लेकर 1,25,000 तक का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो प्रकरण आते हैं, जिसमें जो सामग्री बेची जाती है वो अवमानक होती है या बिना रजिस्ट्रेशन के जो लोग कार्य कर रहे होते हैं उनके खिलाफ इस पर कार्रवाई की जाती है। इस प्रक्रम में FSO द्वारा जो न्यायालय में दाखिल किए गए थे, ऐसे अप्रैल और मई में 11 प्रकरणों का निस्तारण हुआ है और जिनमें 12 लाख का जुर्माना। रायबरेली में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने नेतृत्व करते हुए सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया। इसमें जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और संपूर्ण समाधान दिवस पर 88 शिकायतें आईं, जिसमें सबसे ज्यादा राजस्व संबंधी मामले सामने आए हैं। इसके बाद आपसी झगड़े और वाद विवाद और पेंशन से संबंधित मामले सामने आए, जिनको चरणबद्ध तरीके से टीम गठित कर निस्तारण करने की रिपोर्ट साझा करने के लिए कहा गया है। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सदर तहसील में यहाँ जनपद रायबरेली में किया गया है और यहाँ पर लगभग 88 शिकायतें अभी तक आई हैं। इसमें कुछ शिकायतें जमीन पे कब्जा, चक्रोट पे कब्जा आदि को लेकर के हैं, कुछ अन्य आपसी विवाद और लड़ाई झगड़े के हैं। तो इनमें मौके पर टीम भेजी जा रही है, तो पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीमें गठित करके मौके पर भेज के उनका निस्तारण सभी संबंधित पक्षकारों को सुनकर और उनकी अभिलेखीय जांच भी करके किया जाएगा। और कुछ प्रकरण ऐसे थे जैसे पेंशन के संबंध में, तो एक महिला आई थी, उसको ये उसका ये कहना था कि उसे परिवार लाभ में पैसा नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने फिर उसकी पासबुक जब मंगा के देखी तो उसे मिल चुका था, उसे जानकारी नहीं थी। तो इस प्रकार के पेंशन संबंधी और अन्य कुछ प्रकरण हम लोगों ने मौके पर भी निस्तारित किए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जीडी के द्वारा परिवर्तन जोन में जोन 8 में लगातार कार्रवाई होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि लोनी के निठौरा रोड पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। लगातार 4th दिन भी यह कार्रवाई जारी है। कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों को जीडीए के बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में एकता कॉलोनी में 11वीं की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। इसके पीछे की वजह है इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करने के चलते लड़की का प्रेमी खफा हो गया था। दोनों एक दूसरे को सुसाइड करने की धमकी दे रहे थे और शाम 6 बजे इस लड़की ने आत्महत्या कर ली है। ये आपस में दोनों में अपना कहा सुनी होने के कारण लड़की ने आत्महत्या कर ली है। फांसी का बंधन लगाकर। क्या नाम था युवती का? ये नया सैनी। क्या करती थी ये? पढ़ाई करती थी लड़की, फर्स्ट ईयर में।
किस समय की घटना है? ये करीब 6 बजे। 6 बजे ये आपस में दोनों में अपना कहा सुनी होने के कारण उनने लड़की ने आत्महत्या कर ली है फांसी का फंदा लगाकर। क्या नाम था युवती का? ये नेहा सैनी। क्या करती थी ये? पढ़ाई करती थी लड़की फर्स्ट ईयर में। किस समय की घटना है? ये करीब 6 बजे। 6 बजे ये और दिल्ली के किराड़ी सुलेमान नगर में बनता हुआ मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया, जिसमें 6 लोगों के दबे होने की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी और सभी को बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि मकान की दीवार पुरानी हो गई थी और इसी हादसे में 6 लोग दब गए, जिनको आसपास के लोगों ने निकालकर नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है। सभी मरीजों का इलाज जारी है। मकान था वैसे ये 80 गज का प्लॉट है, वैसे 40 गज में ये बना रही थी। पुराना मकान था, 3 साल रखी थी, 28-30 साल पुराना मकान है। आगे उसे ऊंचा करके वो TRN वगैरह डाल के अपना काम चलाने की कोशिश कर रही थी। पहले से पानी भर गया था बारिश के टाइम में, अब वो मिस्त्री काम कर रहे थे। क्या दुर्घटना हुई है ये तो हम उस समय तो हम नहीं थे घर। अब वो जैसे ये TRN जो डाल रखी है, TRN लफी हुई है, टूटी हुई, उससे तो ऐसा लगता है कि भाई 2-1 आदमी चोट भी आई होगी। जैसा लोग बता रहे हैं 3 या 4 आदमियों चोट आई है, एक के सर में ज़्यादा चोट है, मिस्त्री के में या लेबर वाले के में। ये ही दुर्घटना है, ये पिछले 30 साल से रह रहे। और शिवपुरी जिले के नगर पालिका परिषद से पिछले दिनों ही पानी के 4 टैंकर चोरी हो गए, जिसकी सूचना आज कोतवाली पुलिस ने नगर पालिका में पहुंचकर पूछताछ की। आपको ये बता दें कि पानी की समस्या को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक और मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने विधायक निधि से 14 पानी के टैंकर शिवपुरी नगर पालिका को दिए थे। इनमें से पानी के 4 टैंकर पिछले दिनों ही चोरी हो गए और नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने यह बताया है कि पिछले महीने शहर में कई भगवत कथा के कार्यक्रम और शादी समारोह हुए, इनमें टैंकरों को भेजा गया था, लेकिन जब सभी टैंकरों की गिनती हुई तो उसमें से 4 टैंकर कम पाए गए हैं। तो वहीं बीते रोज चोरी की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई गई, जिसकी जांच जारी है। बताया जा रहा है कि 4 टैंकर जो विधायक निधि के थे वो चोरी हुए हैं। अजीम मोहम्मद जो नगर पालिका में स्टोर कीपर है, उन्होंने थाने में करीब 4 दिन पहले कंप्लेंट की है, तो उस पर से केस रजिस्टर्ड है 389 चोरी का, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नहीं, अभी ये एकदम क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हम ये पता लगाने का प्रयास कर रहे थे कि टैंकर एक्चुअल में किसके चार्ज में रहते थे और कब चोरी गए। नगर पालिका वाले अभी टैंकर कब चोरी गए ये निश्चित समय में नहीं बता पा रहे। उनका कहना यह है साहब 1-1.5 साल पहले लगभग गए होंगे। नगर पालिका से ये बताया जा रहा है कि 4 टैंकर जो विधायक निधि के थे वो चोरी हुए हैं। अजीम मोहम्मद जो नगर पालिका में स्टोर कीपर है, उन्होंने थाने में करीब 4 दिन पहले कंप्लेंट की है, तो उस पर से केस रजिस्टर्ड है 389 चोरी का, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नहीं, अभी ये एकदम क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हम ये पता लगाने का प्रयास कर रहे थे कि टैंकर एक्चुअल में किसके चार्ज में रहते थे और कब चोरी गए। नगर पालिका वाले अभी टैंकर कब चोरी गए ये निश्चित समय में नहीं बता पा रहे। उनका कहना यह है साहब 1-1.5 साल पहले लगभग गए होंगे। नगर पालिका से ये बताया जा रहा है कि श्रीमंत महाराज साहब ने विधायक निधि से 14 टैंकर दिए थे नगर पालिका को, जिसमें से 4 टैंकर हमारे चोरी चले गए। अभी हमको टैंकरों की जरूरत पड़ी तो हमने टैंकर देखे, तो हमारे 4 टैंकर नहीं थे। यहाँ कर्मचारियों से पता चला तो बोले कि 2 टैंकर पहले चले गए थे चोरी और 2 टैंकर अभी 2 महीने पहले चोरी गए। ऐसे करके 4 टैंकर हमारे चोरी चले गए। कर्मचारियों ने इसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी? हम लोगों ने पुलिस में जब आवेदन दिया कि हमारे 4 टैंकर चोरी चले गए, उसी की जांच करने के लिए पुलिस वाले यहां आए। और दतिया चिकित्सालय परिसर में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा स्थित वन स्टॉप सेंटर सुरक्षा व्यवस्था की मीडिया ने जांच पड़ताल की है, जहां दतिया के वन स्टॉप सेंटर में अभी तक 806 से ज्यादा महिलाओं को जिला प्रशासन के द्वारा अथवा कोर्ट के निर्देश पर रखा गया है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि करीब 75% महिलाओं का यहां से पुनर्वास किया जा चुका है। कुछ लड़कियां जो कि अपने घर से किसी कारण नाराज होकर चली जाती हैं, उन्हें भी काउंसलिंग के माध्यम से समझाइश देकर वापस उनके घर भेजा गया। 25% मामलों में न्यायिक मामलों में लड़कियों को कोर्ट के निर्देश अनुसार यहां रखा गया है।
कुछ निराश्रित महिलाएं भी अपने बच्चों के साथ यहां पर रहने आती हैं और उनके मनोरंजन के लिए यहां पर लाइब्रेरी और बच्चों के लिए खिलौने समेत कई अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। पूरा संचालन जिलाधिकारी अरविंद उपाध्याय के माध्यम से चल रहा है। उनके निर्देशन में हम लोग काम करते हैं। समय समय पर उन्हीं की सजेशन से ही इतना प्रोग्रेस हमने पाई है। उन्हीं के मार्गदर्शन में ही सारी व्यवस्थाएं होने के कारण वन स्टॉप सेंटर आज उच्च कोटि पे पहुंचा है हमारा। आज तक की डेट में हमारे यहाँ 806 केस हो चुके हैं, जिसमें 75% ऐसे केस हैं जो में समाज आपसी सामंजस्य से पुनः परिवार स्थापित हुए हैं। 25% की हमें DIR करवाना पड़ेगा। 806 में कुछ केस आश्रय वाले हैं, ऐसी बच्चियों और महिलाओं को हमने आश्रय दिया है जिनके परिवार वालों ने उन्हें ठुकरा दिया था। उनके काउंसलिंग करके, परिवार की काउंसलिंग करके, महिला की काउंसलिंग करके उन्हें पुनः परिवार में स्थापित किया है। और गोरखपुर की ओर रुख करेंगे, जहां पर गोलघर मंगलम टावर के पास IFB पॉइंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल अभी किसी व्यक्ति के हानि होने की सूचना नहीं है। लोगों को सूचना मिली फायर स्टेशन पर, एक आदमी इनका गया था और बताया कि IFB जो पॉइंट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, कुछ रखे हुए थे, फाइल्स वगैरह रखे थे, इसमें आग की सूचना मिली और तत्काल हम लोग वहाँ से 2 गाड़ी लेकर के आए तो यहाँ देखा गया कि यह दुकान तो ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर है, लेकिन यह पूरी तरह से धुएं से घिरी हुई है। तो हम लोगों ने पहले आग बुझाने का प्रयास किया तो आग बुझ नहीं पा रही थी, क्योंकि आग का जो है पॉइंट दिखाई नहीं पड़ रहा था कि आग जनरेट कहाँ से हुई है। फिर इसको शीशे को तोड़ा गया और हमारे जवान ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट पहन करके अंदर गए, तब उनको मालूम हुआ कि आग यहाँ पर है। तो शीशे को तोड़ करके और आग को हम लोगों ने पूरी तरह से बुझवा दिया है। अब कोई आग नहीं है, जो सामान इनका है, बचा हुआ सामान उनको। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान है, वॉशिंग मशीन, डिश वाशर, AC, माइक्रोवेव, किचन अप्लाइंसेज, उसकी दुकान थी। मैं तो यहाँ दुकान पर 11 बजे आता हूँ, मेरा स्टाफ आके खोलता है और उससे मैंने 10:20 पर बात किया था फ़ोन से, तो उसने बताया कि सब ठीक है, खुल गया है, वर्कशॉप भी खुल गया है, चाबी चली गई है, तब तक कोई बात नहीं थी। फिर हमको इमीडिएट करीब 11 बजे के आसपास फ़ोन आया है कि बहुत धुआं हो गया है ऊपर। हमने कहा हम आ रहे हैं तुरंत, फायर सर्विस को फ़ोन कर दो। फायर सर्विस को फ़ोन हुआ, ये लोग तुरंत आ गए और शीशा वीशा तोड़ के धुआँ निकल नहीं पा रहा था। असल में शोकेस है ना, शोरूम है, तो वो उसी हिसाब से डेकोरेटेड ग्लासेज वगैरह लगे हुए थे, तो उसको तोड़ने से अब देखिए धुआं आप लोगों के सामने ही निकल रहा है, काफ़ी धुआं निकल रहा है पानी के बौछार से सब। IFB जो इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है मंगलम टावर के बगल में गोलघर में, तो जैसे ही आग लगने की सूचना मिली फायर स्टेशन 2 गाड़ी प्रस्थान हुई, साथ हमारे FSO शांतनु कुमार यादव सर भी आए और यथाशीघ्र आग पर कार्रवाई की गई। पहले तो हम लोग एक ब्रांच लगा करके आग बुझाए, लेकिन आग का यथाशीघ्र पता नहीं चल रहा था। तो हम लोगों के 2 जवान BSET पहने ब्रीदिंग ऑपरेटर्स, उसमें मैं भी था और खुद BSET पहन के अंदर घुसा तो जहरीली धुआं से भरा हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी और अंदर की जो दुकान थी 2 फ्लोर में थी, ग्राउंड और फर्स्ट पे, पता नहीं चला था आग किधर है, जहरीली धुआं भरी हुई थी। फिर हम लोग मल्टीपर्पज ब्रांच लगा कर धुआं काटे, धुआं को काटते धीरे 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 हम लोग अंदर घुसे और आग का पता लगा और हम लोग फिर 2 जवान BSET पहन के घुसे थे और बाकी जवान के सहयोग की मदद से FSO शांतनु कुमार यादव के नेतृत्व में आग को पूर्णतः हम लोग आग को बुझा लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।